आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 11 इतिहास के अंतर्गत विद्रोही और राज, जो कि 1857 का आंदोलन जो हुआ था उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि 1857 का जो आंदोलन हुआ था वह क्यों हुआ था। ये हुआ था 10 मई 1857 को। ये जो शुरू हुआ था वह एक सैनिक छावनी से स्टार्ट हुआ था। सैनिक जो छावनी थी वहां से प्रारंभ हुआ था। ये आप लोग ने 10वीं में भी पढ़ा होगा, जब हम उस समय जब 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय सामाजिक कारण भी था, राजनीतिक कारण भी था, सैनिक कारण भी था। तो ये जो तात्कालिक कारण था वह सैनिक कारण था, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विद्रोह जो था वह किस तरह से हुआ था। उस समय जो सैनिक थे उन्होंने और जो विद्रोही थे वे सारे लोग थे अंग्रेजों अफसरों के बंगलों में, सरकारी कर्मचारियों के घर में, बंगलों में, साथ ही साथ खजाने जो सरकारी खजाने थे वे सब में उन्होंने हमला बोल दिया था और वे सब चीज़ें जो लूट लिए थे और कई अंग्रेजी अफसरों को भी उन्होंने मारा था। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह में भी जो सैनिक थे वे सभी लोग जान रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है और उनको ये मालूम हो गया था कि वहाँ पर गाय और सुअर की चर्बी से युक्त जो उनको हथियार दिए जा रहे थे वह उनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इस कारण भी सैनिकों में विद्रोह हो गया था और साथ ही साथ उनके माध्यम से जो कार्य हो रहे थे उसको ये पता चल गया था कि हम यदि मुंह से गालेंगे तो इससे ये हो रहा था। हिंदू और मुस्लिम जो जन समुदाय के लोग थे, जो धर्म के लोग थे, उन लोग ये समझ गए थे कि हमारे धर्म को ये भ्रष्ट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर है संचार के माध्यम। अब संचार के माध्यम क्या थे उस समय? अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए संचार के बहुत सारे, जैसे यातायात का साधन भी उन्होंने शुरू कर दिया था, रेलगाड़ियाँ भी चलने लगी थी, साथ ही साथ फोन भी लग चुके थे। तो कुछ कर्मचारी जो थे उनके ऑफिस में जो काम करते थे वो कुछ कुछ अंग्रेजी भी जानने लगे थे और समझने लगे थे। इस तरह से संचार का माध्यम एक कारण ये भी था, जो वहाँ पर जो सैनिक थे वे भी भारतीय ही भर्ती हुए थे, वे सब जानते हुए वे बारात में एकजुट होते थे और वे सिर्फ विद्रोह के बारे में चर्चा करते। जब वे एकत्रित होते थे तो सिर्फ विद्रोह के बारे में ही वे चर्चा करते थे। फिर नेता और अनुयायी। नेता और अनुयायी कौन होते थे? सैनिक के लोग ही होते थे। जो सैनिक के जो सदस्य होते थे वही उनके अनुयायी भी होते थे। जिस तरह से सैनिक जो होते थे वे स्वयं ही उसके कर्ता धर्ता होते थे, स्वयं ही कर्ता होते थे। फिर है अफवाहें और भविष्यवाणियां। अफवाहें और भविष्यवाणियां। अब अफवाहें जैसे थी, जैसे कि थोड़ा सा और हम बता दे रहे हैं कि जब सैनिक में जो भर्ती थे उसमें ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण लोग भी थे और नीची जाति को जिसको समझते थे, जिसके उन लोग छुआछूत के कारण उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, उस तरह से जो अफवाहें थी। तो वहाँ पर जब एक ब्राह्मण को कहा गया है कि वो उनको पानी पिला दिया जाए या उनसे आप पानी पी लीजिए, तो बोले नहीं, पानी जो है अशुद्ध हो जाएगा। तब उसमें नीची जाति का जो सैनिक था उसने ये कहा कि हमारे पानी छूने से वह अशुद्ध हो जाएगा लेकिन तुम्हारा जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोले कैसे? तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तुम सुअर और गाय की लगी चर्बी वाले जब मुंह से उस कारतूस को खोलोगे और फिर चलाओगे तो वैसे ही तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह की जो अफवाहें थी वह बहुत ही तेजी से फैली थी और उस समय एक भविष्यवाणी ये भी थी कि इनके 100 वर्ष के बाद जो है अंग्रेज का शासन जो है वह समाप्त हो जाएगा। फिर यह है कि लोग जो है अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे। अब अफवाहों पर विश्वास करने का सबसे मेन कारण ये था, एक तो ये भविष्यवाणी थी सुअर और चर्बी वाले कारतूस के कारण भी विद्रोह बड़ी तेजी से फैला क्योंकि लोग एक दूसरे को सिर्फ विद्रोह की चर्चा ही करते थे। और दूसरा कारण ये था अंग्रेजों के जो हमारे लिए जो कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले जो है पाश्चात्य शिक्षा शुरू कर दिया था, पाश्चात्य शिक्षा, धर्म परिवर्तन,
और फिर जो धार्मिक आस्थाएं जो थी, आस्था, ये सारी चीजें जो है क्या है, प्रभावित हो रही थी। इस कारण भी लोग जो है, जो भारतीय जो सैनिक में थे, उन लोग जो कह रहे थे उसके बारे में वह आसानी से विश्वास कर ले रहे थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अवध में विद्रोह। अवध में विद्रोह क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण ये था कि अवध में जो है नील और कपास की खेती ज्यादा होती थी, तो अंग्रेज जो है अवध में जो है अपना अधिकार कर लिया था और वहां के जो नवाब थे उनका बहिष्कार कर दिया गया था। उनका बहिष्कार होने से जो वहां पर जो कर्मचारी थे, जो राजमहल में जो कार्य करते थे, वे सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। सैनिक हो गए, जो कर्मचारी हो गए, वे सारे बेरोजगार हो चुके थे। उसके साथ साथ जो राजस्व की जो स्थिति थी, वहां पर तालुकदार जो होते थे वे किसानों और जमींदारों से अपना राजस्व वसूलते थे, वे ज्यादा वसूलते थे और अपना कुछ हिस्सा जो है राजमहल में देते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा किया, उसके बाद वे तालुकदारों की जो स्थिति थी वह दयनीय होना चालू हो गई थी, क्योंकि उसके बाद जो राजस्व जो निर्णय किया गया था इतना लेना है, उसके कारण इनकी स्थिति जो है कमजोर पड़ गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश भू राजस्व की व्यवस्था, उन्होंने एक ऐसी भू राजस्व की व्यवस्था की जिसमें कि किसान जो है उत्पादन करके सीधा जो है ब्रिटिश सरकार को अपना राजस्व जमा कर सकता है। फिर किसानों के शोषण में कमी करना, तालुकदारों के जो अधिकार थे उसको भी कम करके वह किसानों के शोषण को कम करना चाहते थे, जिससे कि वो उत्पादन अधिक से अधिक कर सकें और उसके साथ साथ अंग्रेजों के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। फिर देखना यहाँ पर तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा, जब उनका सत्ता जब छीनी तो वे क्या करने लगे, किसानों को परेशान करने लगे, जिनकी जमीन थी उनको परेशान करने लगे। तो इस तरह से उनके जो था, और फिर उसके साथ साथ अंग्रेजों को जो राजस्व देना होता था देते थे। फिर उसके बाद है तालुकदारों एवं किसानों का विद्रोह, ये दोनों जो है आपस में भी विद्रोह होने लगा था, क्योंकि किसान जो है सीधा ब्रिटिश सरकार को अपना राजस्व देने लगा था, तालुकदारों को जो फायदा होता था या लाभ मिलता था वह मिलना बंद हो गया था। फिर उसके बाद देखेंगे अंग्रेज अफसर और सिपाहियों के रिश्ते, उस समय जो अंग्रेज अफसर जो होते थे और सिपाहियों के रिश्ते जो होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, वे उनके हर कार्यक्रम में उपस्थित होते थे, सारे कार्यक्रमों में शामिल होते थे, और कुछ अफसर ऐसे होते थे जो कि हिंदी भी बोलना जानते थे और उनके प्रति उनकी सहानुभूति भी होती थी। इस तरह से वो भी उनको पूरी तरह से उनको कई बार प्रोत्साहित भी करते थे, इस तरह से उनके उस समय रिश्ते अच्छे थे। तो इस कारण भी वहां पर कुछ जानकारियां जो अंदर की मिल जाती थी उससे भी विद्रोह को प्रोत्साहित होता था। फिर सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच जो रिश्ते थे वह कैसे थे उस समय जो था, क्योंकि सिपाहियों ग्रामीणों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, क्योंकि उस समय जो सिपाही जो भर्ती हुए थे वह गाँव के लोग ही होते थे, वह उस उधर की जो छावनी होती थी वहां पर वो ग्रामीण के लोगों को ही भर्ती कर लिया जाता था। इस तरह से उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते थे। और विद्रोह की चर्चा करने हो तो ये सारे लोग जो एक जगह इकट्ठे होते थे, रात में इकट्ठे होते थे, बैठते थे, तो सारे जो है विद्रोह की ही चर्चा ही करते थे।